आर्मेगेडन, जिसे उर्दू में हर्मेजदून के नाम से याद किया गया है, द बिग वॉर, ये कोई एक वर्ल्ड वॉर या बैनुल अक्वामी सतह पर एक बहुत बड़ी जंग का तस्करा है जो अलामात कुबरा की शक्ल में हदीस की सही अहादीस से मौजूद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस में अगर हम देखें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जी मखबर, इनकी रवायत से अबू दाऊद में हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रूमियों से, हदीस में ना रूमी ईसाइयों को कहा जाता है, तुम रूमियों से सुलह करोगे, यानी मुसलमानों और रूमियों यानी क्रिश्चियंस के दरमियान कोई मुआहदा हो जाएगा और फिर दोनों मिलकर एक दुश्मन से लड़ोगे, यानी मुसलमानों की और क्रिश्चियंस का आपस में कोई मुआहदा होगा और वो अपनी एक तीसरी दुश्मन से वो लड़ेंगे जो तुम्हारे पीछे होगा और तुम लोगों को फतह हासिल हो जाएगी, गनीमत हासिल करोगे और सलामती के साथ वापस आओगे और एक टीलों वाले मैदान में पड़ाव डालोगे, मतलब फतह के बाद तुम वहाँ पे आकर क़याम करोगे और जैसे अपनी फतह की एक सेलिब्रेशन है ना वो हो रही होगी, तुम वहाँ पे पड़ाव डालोगे, वहाँ एक ईसाई सलीब बुलंद करके कहेगा कि सलीब गालिब आ गए, यानी वो ईसाई ये कहेगा कि फतह जो है वो ईसाइयों की वजह से हुई। मुसलमानों में से एक आदमी को उस पर बड़ा गुस्सा आएगा, यानी वो कहेगा कि ये क्या बात है कि हम दोनों आपस में मिलकर लड़े हैं तो ईसाई और सलीब कैसे गालिब आ गए, और फिर इसके दरमियान इसकी वजह से एक ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान आपस में तनाज़ा बढ़ेगा, गिरेबान पकड़ने तक मामला हो जाएगा और इसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो अहले रोम होंगे फिर वो अहद शिकनी करेंगे, यानी जो मुसलमानों ने मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जो अहद था ना फिर वो टूट जाएगा और फिर वो दूसरे ईसाइयों को जंग के लिए जमा करेंगे और मुसलमान फिर तन्हा रह जाएंगे और फिर ये सब का सब लश्कर जो है मुसलमानों का वो शहीद हो जाएगा। इसको अबू दाऊद ने रवायत किया और इसी जंग के हवाले से अबू दाऊद में एक और रवायत से हसन बिन अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से है कि मुसलमान जल्दी जल्दी, यानी जब ईसाई जो हैं वो अपने इत्तेहादियों को लेकर मुसलमानों पर हमला आवर होंगे तो मुसलमान जल्दी जल्दी से अपने हथियारों की तरफ जाएंगे और ईसाई इत्तेहादियों से जंग करेंगे और अल्लाह ताला इस जमात को शहादत के शर्फ से नवाज देंगे। और इसी तरह एक और जगह इब्न माजा में हज़रत औफ़ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले रोम और तुम्हारे दरमियान सुलह होगी और फिर अहले रोम और तुम्हारे साथ गद्दारी करेंगे और तुम्हारे मुकाबले में 80 झंडों के साथ फ़ौज लेकर आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 की फ़ौज होगी। तो ये वो बहुत बड़ी एक बैनुल अक्वामी सतह पर की जाने वाली जंग है जिसका तस्करा हदीस में मौजूद है। और अगर मैं आपको इसकी समरी बता दूं, फिर से दोहरा दूं कि मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान एक फतह एक मुआहदा होगा और ये दोनों के लश्कर मिलकर एक थर्ड आर्मी के अगेंस्ट लड़ेंगे, थर्ड एनिमी के अगेंस्ट। इस कम्बाइंड लश्कर को जब फतह हो जाएगी तो ईसाई ये कहेंगे कि ये तो फतह ही हमारी वजह से हुई है और फिर मुसलमानों को जब इस पर नाराज़गी होगी तो फिर ईसाई अपनी करके 80 झंडे यानी 80 नेशंस का, जिसे कह दें कि कंबाइंड एलाइड फोर्सेस या नेटो फोर्सेस या पता नहीं कौन कौन सी ईसाई रियासतें जो हैं वो मिलकर, और हर जो एक झंडा यानी एक कौम के जो लोग होंगे उसमें 12,000 फौज होगी और ये फिर सब उस मुसलमानों के ग्रोह के ऊपर हमला करेंगे। और हदीस में ये तस्करा मौजूद है कि फिर उस मुसलमान रियासत और उस मुसलमान जो कौम है जो मिलकर रोमियों के साथ पहले जंग करेगी उनमें से फिर कोई नहीं बचेगा, सब शहीद हो जाएंगे।